गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम ईरान। आज की वीडियो में दो सुपर बाइक के बीच में फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पर है अपनी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सुपर बाइक। अपनी दूसरी वाली बाइक है ये एक हायाबुसा बाइक है। तो दोस्तों देखते हैं भाई कौन सी बाइक जीत पाती है। तो चलो कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। ये दोनों ही बाइक्स को अगर आप खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे दोनों का बाय लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चाहते हो दोनों ही बाइक्स को खरीद भी सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दोनों का बाय लिंक दे दिया है। सबसे पहले अपन अनबॉक्स करते हैं यहाँ पर हायाबुसा बाइक को। तो इसको यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। इसको मैंने खरीदा था अमेजोन से 4000 रुपीज में। अभी शायद इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो मैंने परसों देखा तो इसका प्राइस जो है भाई तकरीबन 2600 रुपीज बता रहा था। जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो। ये देखो गाइस ये है अपनी हायाबुसा बाइक। काफी ज्यादा तगड़ी क्वालिटी की होती है और इसके व्हील्स तो भाई एकदम खतरनाक ही बनाए हैं इन लोगों ने। इसके साथ मिलता है हमें इस तरह का एक रियल हैंडल। इसके अंदर एक जायरो सेंसर भी लगा हुआ होता है। अगर मान लो अपनी बाइक को अपने को लेफ्ट को टर्न करना है तो अपने को लेफ्ट को हैंडल घुमाना होता है, राइट को टर्न करना है तो राइट को हैंडल घुमाना होता है। ब्रेक्स वगैरह सारी की सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल इसके अंदर और क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर एक और छोटा बॉक्स है। ये बॉक्स हम लोग निकाल नहीं सकते यहाँ से, यहीं से ही मैं ओपन करके बता देता हूँ। इसके अंदर इस तरह का एक चार्जर मिलता है और इस तरह की एकदम फालतू वाली बैटरी भी मिलती है। ये बैटरी इसके अंदर नहीं यूज करने वाला हूं। मैं इसके अंदर लाइपो बैटरी डालकर यूज करके आपको बताने वाला हूं। ये है दोस्तों अपनी दूसरी वाली बाइक। ये एक आरसी सुपर बाइक है। अगर इस बाइक का नाम आपको पता है तो गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ये जो बाइक है ना भाई थोड़ी सी डुकाटी की तरह भी दिखाई देती है और थोड़ी बहुत जो यमाहा की तरह भी दिखाई देती है। आपको ये बाइक कौन सी लगती है गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत दिन पहले इस बाइक की मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं गाइस। वहां पर जाकर आप इसकी फुल वीडियो भी चाहे तो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत अनबॉक्स करेंगे, फिर दोनों के बीच में फाइट कराने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस। एक एक करके सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर हमें मिलता है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे बटन है, ऊपर ट्रिगर्स वगैरह भी दिए हुए। यहाँ पर है अपनी बाइक। ओह माय गॉड इसका वजन इतना ज्यादा है भाई, मैं क्या ही बोलूं आपको। तो इसको रखते हैं यहाँ पर, साइड स्टैंड लगा दिया मैंने, अब इसको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। इसके साथ हमें ये वाली बैटरी मिल जाती है, लाइपो बैटरी है भाई, काफी तगड़ी वाली बैटरी है ये। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस तरह का एक माइक्रो यूएसबी केबल भी मिल जाता है हमें, और साथ में एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया हुआ है। दोनों बाइक्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। यहीं से ही आपको अंदाजा हो चुका होगा कि अपनी ये जो सुपर बाइक है ना भाई इस हायाबुसा के मुकाबले में कितनी ज्यादा बड़ी है। आप लोग ये मत समझना कि गाइस ये बाइक इसके मुकाबले में कुछ कम है। भाई इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, मेरे को लगता है कि आज इन दोनों के बीच में टफ फाइट होने वाली है। इस बाइक की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर एक सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम दिया हुआ है पीछे के व्हील के अंदर। यहाँ पर देखो ये सारे के सारे व्हील जो है ना भाई अपने आप ही इस बाइक को जो है सेल्फ बैलेंस करते हैं और नीचे नहीं गिरने देते हैं। पीछे के व्हील पर इस तरह से व्हीली भी मार सकती है। ये सारी चीजें मैं आपको करके बताने वाला हूं। काफी ज्यादा मजबूत प्लास्टिक से बना हुआ है और हम चाहे तो इस राइडर को यहां से अलग भी कर सकते हैं, सिर्फ बाइक को भी चला सकते हैं। पीछे की तरफ टेल लाइट भी काफी मस्त तरीके से दी हुई है और इसके अंदर भाई काफी सही तरीके से सस्पेंशन भी इन लोगों ने देखो लगा के रखा हुआ है। इसके व्हील्स मेरे को सबसे ज्यादा जबरदस्त लगते हैं भाई। इस व्हील्स के कारण ही ये बाइक के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। व्हील्स का साइज तो देखो यार, तकरीबन 2.5 इंच का व्हील है सामने का और पीछे का भी व्हील भाई इससे ज्यादा मोटा मेरे को लग रहा है। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फेवरेट रिमोट बाइक्स के अंदर यही है। इसके अंदर आपको एक्सेलेरेटर देखने को मिलता है, रिवर्स सिस्टम है, ऑन ऑफ कर सकते हो, हॉर्न बजा सकते हो, ये है इसकी सबसे खास बातें। ये भी जो रिमोट है ना भाई कुछ कम नहीं है। इसके अंदर देखो हर एक चीज आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको स्टंट वगैरह कराना है तो इस बाइक को यहाँ से आप करा सकते हो, ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, और स्पीड वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, और भी ढेर सारी दुनिया भर की चीजें इसके अंदर दी हुई है। तो चलो दोस्तों अभी अपन लोग चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं भाई आज सुपर बाइक जीतेगी या फिर अपनी हायाबुसा बाइक जीतेगी। चलो लेट्स फाइट। ऑलरेडी दोस्तों मैं आ चुका हूँ रोड पर दोनों के बीच में फाइट कराने के लिए। देखो भाई अपनी सुपर बाइक क्या ही गजब का लुक है इसका, अपनी हायाबुसा भी कुछ कम नहीं है। फटाफट से अपनी सुपर बाइक को चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यार बिल्कुल एक रियल बाइक जिस तरह से चलती है उसी तरह से चल जाती है और अपने आप को काफी सही तरीके से बैलेंस भी कर लेती है। इस तरह से टर्न भी हो जाती है, काफी सही तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह भी मार लेती है। आते जाते लोग भाई इसको काफी ज्यादा घूर रहे थे, मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है कि इसको मैंने कहां से खरीदा है। सुपर बाइक के अंदर जो लाइट जलती है ना भाई सामने वाली, ये लाइट्स काफी ज्यादा मस्त दिखती है। आप चाहे तो इस लाइट को बंद चालू भी कर सकते हो।
तो अभी चलाते हैं अपनी हायाबुसा को। हायाबुसा को यहाँ पे देखो भाई, क्या जबरदस्त तरीके से रेस वेस की साउंड भी आ जाती है इसके अंदर। तो इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लगता है, क्योंकि नॉर्मल रिमोट इसके अंदर मिलता नहीं है। इस तरह का जायरो सेंसर वाली हैंडल मिल जाती है। और इस बाइक को भी भाई बहुत ज्यादा लोगों ने मेरे को पूछा था कि इसको मैंने कहाँ से खरीदा है। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको चलाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों। इस बाइक के अंदर एक चीज मेरे को काफी ज्यादा ओपी लगती है, वो है इसके ब्रेक। जहां पर आप ब्रेक मारते हो भाई, वहीं पर सडन तरीके से ये जो बाइक है ना रुक जाती है। इसके अंदर हॉर्न वगैरह भी काफी सही तरीके से दिया गया है। और देखो ऑन ऑफ यहाँ से आप इसको कर सकते हो। अभी यहाँ पे कराएंगे दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट, देखते हैं कौन सी बाइक सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से दौड़ सकती है इस रोड पर। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। अपनी सुपर बाइक जो है थोड़ा सा आगे निकल चुकी है, पीछे धीरे धीरे से आ रही है अपनी हायाबुसा बाइक। ये बाइक जो है ना भाई बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं चलती है, क्योंकि इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल सांप की तरह टेढ़े मेढ़े चलती है। और अपनी सुपर बाइक बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है, यहाँ पे मेरे को क्लियरली लग रहा है कि अपनी सुपर बाइक ही जीतने वाली है। यार इसको मैं पूरा टर्टल देकर भगा रहा हूँ, पर दौड़ नहीं पा रही है भाई। यहाँ पर सुपर बाइक क्लियर तरीके से जीत चुकी है रेस। अभी कराएंगे दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं यहाँ पर कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल आरसी बाइक। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पुशबैक। ओ यहाँ पर देखो अपनी सुपर बाइक ने भाई एकदम से इसको ढकलने की कोशिश की है, पर यहाँ पर अपनी हायाबुसा बाइक ने इसको डॉच करके नीचे पटकनी दे दी है। यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी हायाबुसा बाइक। अपनी सुपर बाइक काफी सही तरीके से व्हीली भी मार सकती है। यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो भी दिखा देता हूँ। ये देखो यार व्हीली मारते हुए आगे भी बढ़ जाती है, क्या जबरदस्त तरीके से इसने अपना बैलेंस बना के रखा है। देखो गाइस थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिर रही है। यहाँ देखो व्हीली मारने के बाद बिल्कुल सही पोजिशन में भी आ जाती है। अपनी सुपर बाइक के अंदर ऑटो बैलेंसिंग सेंसर इतना मस्त दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस इसको पूरी तरीके से मैं हिला डुलाकर नीचे गिराने की भी कोशिश करूंगा, पर ये जो बाइक है ना भाई बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है भाई काफी तगड़ी क्वालिटी का दिया हुआ है। हायाबुसा बाइक के अंदर कोई भी सेल्फ बैलेंसिंग सेंसर नहीं है, इस वजह से ये कोई भी व्हीली वगैरह नहीं मार सकती है। यहाँ पर देखो मैं इसको खड़ा करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, पर ये नहीं ठहर पा रही है, ये व्हीली नहीं कर सकती है। अपनी सुपर बाइक काफी सही तरीके से व्हीली मार सकती है, यहाँ पर ये क्लियरली विनर है व्हीली मारने के मुकाबले में। अभी कराते हैं दोस्तों दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर पुशबैक में। तो यहाँ पर हायाबुसा जीत चुकी थी, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। यहाँ पर हायाबुसा इसको खींचती हुई लग रही है, देखो इसका व्हील क्या जोरदार तरीके से घूम रहा है। और यहाँ पर सुपर बाइक ने पूरी तरीके से व्हीली मारकर इसको खींचने की कोशिश की है, पर इसका देखो भाई उल्टा पुल्टा हो चुकी है। यहाँ पर भी क्लियरली विनर है टग ऑफ वॉर में हायाबुसा बाइक। अभी रेंज टेस्ट करके देख लेते हैं, सबसे पहले हायाबुसा बाइक को चला के देख लेते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक जा पाती है। इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज का रियल टाइप हैंडल हमें देखने को मिलता है। तकरीबन ये 30 मीटर दूर जाकर रुक चुकी है। अभी सुपर बाइक को चला के देखते हैं ये इससे दूर जा पाती है कि नहीं। देखो ये भी बहुत दूर तक जा चुकी है, इसके अंदर भी 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट हमें देखने को मिलता है। यहां पर ये इससे बहुत दूर तक जा चुकी है और यहां पर ये ड्रिफ्ट भी मार के बता रही है। रेंज के मामले में क्लियरली विनर है अपनी सुपर बाइक। अभी ऑफ रोड टेस्ट करके देख लेते हैं दोनों के बीच में कौन सी बाइक ऑफ रोड में चल सकती है। अरे यार अपनी सुपर बाइक तो यूं ही गिर गई भाई, ये ऑफ रोड में नहीं चल सकती है। अपनी हायाबुसा बाइक तो कोशिश कर रही है, नीचे तो नहीं गिर पा रही है, पर ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके व्हील्स देखो गाइस यहां पर जैम हो चुके हैं। दोनों बाइक जो है ऑफ रोड में नहीं चल सकती है। अभी यहां पर इसको टॉप स्पीड में मैं आपको चला के बताता हूं, देखते हैं कितनी स्पीड तक ये पहुंच पाती है। इसकी स्पीड तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज्यादा स्पीड है गाइस, जिसकी मैं इसके पीछे कैमरा लेकर नहीं दौड़ पा रहा हूं, इतनी ज्यादा स्पीड दी गई है इस सुपर बाइक के अंदर। तो भाई आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है यहां पर अर्णव, जयगाम, कार्निक रॉय, रुपेश, अशरफ, साहिल, दीपांकर, संदीप हालदार, अमन, सत्या सुंदर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।